हेलो दोस्तों, बहुत ही जल्द ओमेगा सकी मोबिलिटी की तरफ से शायद एक नई इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा आने वाली है, जिसके कुछ अपडेट्स मुझे मिले हैं और परफॉर्मेंस वगैरह मिले हैं, तो उनको सबको देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आने वाली है ओमेगा सकी मोबिलिटी की तरफ से, 35 मिनट में फुल चार्ज होने वाली रेज प्लस रैपिड का ही नया वर्जन है। और क्या क्या चेंजेस होने और परफॉर्मेंस में कुछ चेंज किया है या नहीं, सब कुछ डिटेली इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो उन सभी को जानने से पहले शाबूद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं ओमेगा सकी मोबिलिटी की तरफ से आने वाली नई इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा रेज प्लस रैपिड प्रो 2.1 के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत में ओमेगा सकी मोबिलिटी फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आने के लिए लॉग 9 बैटरी के साथ पार्टनरशिप की थी। इन दोनों के पार्टनरशिप में रेज प्लस रैपिड प्रो के नाम से एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आया था कार्गो में, जिसके अंदर 35 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज प्रोवाइड कर रहे थे। और कहीं पे भी अगर रोड पे चार्जिंग भी खत्म हो गई तो विल्सन चार्ज के नाम से कॉल कर लेते, तो वहां पे आके फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे थे। और इस पार्टनरशिप से ओमेगा सकी मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बैटरी पे 6 इयर्स की वारंटी और बैटरी पे बायबैक गारंटी दिया था 1 लाख का, और ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे फायदे थे। तो इसी का अपडेटेड वर्जन अभी नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आ रहा है, जिसका नाम रखा है रेज प्लस रैपिड प्रो 2.1 के नाम से। अभी इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं और क्या चेंजेस हुए हैं नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में, वो भी हम लास्ट में जानेंगे। तो ओमेगा सकी मोबिलिटी की तरफ से आने वाली ये नई रेज प्लस रैपिड प्रो 2.0 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5 कैटेगरी में आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले पेलोड कैपेसिटी देख लेते हैं। तो इसके अंदर 550 केजी का पेलोड कैपेसिटी दे रहे हैं। इस पेलोड कैपेसिटी के लिए 170 क्यूबिक फीट का कंटेनर मिल रहा है, और कंटेनर का स्टाइल भी चेंज किया है। पहले कॉर्नर्स ऐसा बेंड होकर आ रहे थे कॉर्नरिंग, लेकिन अभी फ्लैट कंटेनर दिए हैं। तो कंटेनर के अंदर इन्होंने चॉइस भी दे रहे हैं, मतलब कंटेनर छोटा भी कंटेनर ले सकते हैं, 120, 140, 170 का कंटेनर हम कस्टमाइज करवा सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अलावा ये नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक भगा सकते हैं। इस स्पीड को देने के लिए जो मोटर दी जा रही है उससे 7.7 किलोवाट की पीक पावर 430 Nm का व्हील टोर को मिल रहा है। और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ साथ 16 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रही है। और इतना नहीं, इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मेनली रेंज अपग्रेड किया गया है, 117 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज यहां पे क्लेम किया जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने लॉग 9 की ही 7.7 किलोवाट आवर की बैटरी दे रहे हैं। और इसको चार्ज करने के लिए 45 मिनट्स टाइम लगने वाला है। पहले 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो रहा था, लेकिन अभी बैटरी बढ़ा दी गई है तो 45 मिनट्स तो लग ही रहा है। और वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पे व्हीकल के ऊपर 5 साल की वारंटी वैसे ही दे रहे हैं। अगर ये लॉग 9 की ही बैटरी इसमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो 6 साल की वारंटी बैटरी पे मिल रही है। और शायद इस बार भी ओमेगा सकी मोबिलिटी बाई बैक गारंटी देने वाला है इस बैटरी पे भी। अभी प्राइस की बात की जाए तो एग्जैक्टली अभी प्राइस और स्पेसिफिकेशन रिलीज नहीं हुए हैं, तो बहुत ही जल्द इसकी लॉन्च वगैरह हो सकती है। तो लॉन्च होगी तो इसका प्राइस या बाकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको एक नए वीडियो के साथ अपडेट कर दूंगा, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो अगर चेंजेस की बात की जाए तो पहले वाले रैपिड के और ये रैपिड प्रो 2.1 के बीच में, सबसे पहले इसके अंदर स्पीड को कम किया गया है। पहले 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही थी रैपिड के अंदर, और दूसरी बैटरी को चेंज किया गया था। पहले 6 किलोवाट की बैटरी मिलती थी, लॉग 9 की ही मिल रही थी, तो इससे 90 किलोमीटर का ट्रू रेंज क्लेम किया गया था। तो अभी बैटरी को इंक्रीज किया गया है, तो ऑब्वियसली रेंज तो यहां पे ज्यादा ही मिल रहा है। और प्राइस की बात की जाए तो पुराने वाले रैपिड प्रेस की एक शोरूम पर शुरू होती 4,06,000 से, तो अब इसको बैटरी को चेंज किया गया है तो अब ये 4,50,000 के आसपास ही आना चाहिए। वैसे दोस्तों, अभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ट्रेंड खत्म हो गया, अभी बैटरी का और चार्जिंग का ही है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तो मार्केट में आ चुके हैं, जिसको जो जो लेना है ले सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमारे चैनल पे आके सब कुछ डिटेल जान सकते हैं। लेकिन मेजरली अभी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट में, चार्जिंग टाइम को लेकर ही चल रहा है। कोई 15 मिनट में चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, कोई 30 मिनट में, कोई 40 मिनट में। अभी 15 मिनट का ही ट्रेंडिंग है, 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाला है। अभी रिसेंटली ओमेगा सकी मोबिलिटी ने भी एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ पार्टनरशिप करके 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आए हैं, जिसका नाम रेज प्लस क्विक है। तो वाली वीडियो अगर नहीं देखें तो वाली वीडियो जरूर देख लेना, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन है और चार्जिंग टाइम तो वैसे ही कम है। वैसे आप बताना इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आपको कैसे लगी इस परफॉर्मेंस के साथ, कितने प्राइस पे होगी तो बेटर होगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके कोई भी अपडेट्स होंगे तो आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।